चंदूली के एसएस हॉस्पिटल पंचफीड़वा द्वारा आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण प्रथम पंक्ति में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकार धीरेन्द्र सिंह शक्ति ने कहा कि संक्रमण का प्रभाव बहुत तेज है, सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और खुद को अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। पत्रकार संजय कुमार ने कहा कि इस समय हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है, साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन के निर्देशों का भी पालन करना है तथा खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना चाहिए। सुरेश कुमार अकेला ने कहा कि इस वैश्विक महामारी में अपने जान को जोखिम में डालकर जिस प्रकार पत्रकार साथी समाचारों का संकलन कर रहे हैं तथा पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में सबके सामने ला रहे हैं, जो एक प्रशंसनीय व स्वागत योग्य कार्य है। निश्चित रूप से हमारे पत्रकार साथी तथा समाज सेवी कोरोना फाइटर्स का काम कर रहे हैं, इसके लिए इनका सम्मान करना एक उचित कदम है। सम्मान की कड़ी में पत्रकार संजीव कुमार, पत्रकार अशोक कुमार, पत्रकार प्रदीप शर्मा, पत्रकार संतोष जायसवाल, पत्रकार महेंद्र प्रजापति, पत्रकार रंदा सिंह, पत्रकार आजाद सिंह, पत्रकार अखिलेश तिवारी, पत्रकार मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर राकेश रोशन जी, पत्रकार धर्मेंद्र प्रजापति, फैजल, संजय गुप्ता, अजीत यादव, संजय कुमार आजाद, राम निवास, अमित गुप्ता तथा अन्य वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। संस्था के प्रबंधन निदेशक ने सभी पत्रकारों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। आप जिले के आइकॉन भी रहे हैं, जिले वासियों से क्या आग्रह करेंगे, लॉकडाउन का किस प्रकार से पालन करेंगे? जनपद वासियों से और यूथ से मैं सब आपके अस्पताल में कार्यक्रम चला, किन लोगों का सम्मान किया जाए, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य ये है कि लगातार सभी लोगों का सब लोग सम्मान कर रहे हैं और एक पत्रकार एक स्तंभ बने हुए हैं आज के डेट में, जो लोगों को जा जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं और जिसमें लोग का सम्मान करना हमें बहुत उचित लगा। और पत्रकार का सम्मान तो किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर भी कम नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है अपना अप्लाई के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टरों का भी हम लोग सम्मान किए हैं, साथ साथ में आप लोग का भी किए हैं। कम से कम सभी लोग घर से निकल रहे हैं, सेफ निकले, सुरक्षित निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अमित यादव आलमपुर से। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हम लोग पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किए हैं, एक कोरोना योद्धा ये भी है।
और इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे का हेल्प करें और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करें और लोगों को प्रशासन और पुलिस लोग सबका सहयोग देते रहे और साथ साथ ही पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देते रहे। अब यहाँ पे कमी जी एक संदेश दे रहे थे कि हाथ जोड़कर ही हाथ ना मिलाएं। जी, हमारे भारत में शुरू से ही परंपरा रहा है हाथ जोड़ने का, पैर छूने का। पैर छूना तो नहीं, हाथ जोड़कर ही बंधन किया जा सकता है, न कि हाथ मिलाकर। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं राकेश यादव रोशन काम कर रहे हैं। आज आपका क्या कार्यक्रम रहा? आज यहाँ पर जो है एसएस हॉस्पिटल जो जनपद में जो पत्रकार बंधु है जो रात दिन जो है कोरोना महामारी के लोगों को निजात दिलाने के लिए लगे हुए थे, उनकी खबरों को खबर करने में अपने जीवन को दाव में लगाकर काम कर रहे हैं, उनका सम्मान किया गया है, उनको प्रोत्साहित किया गया है और उनको नमन किया गया है कि आपका काम जो है बहुत ही सराहनीय है, ऐसा हम लोग किए गए। इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कोरोना महामारी, इतनी बड़ी कोरोना महामारी चल रहा है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि जो वास्तव में जो काम करने वाले लोग हैं समाज में, उनका सम्मान होना चाहिए। जो रियल हीरो है उनको हम लोग को रिकॉग्नाइज करके उनको सम्मानित करना चाहिए, ताकि जो है कि अन्य लोग भी उससे मोटिवेट हों और अच्छा काम करने के लिए आगे आए समाज में। ये हम लोग का उद्देश्य है।